एनसीईआरटी साइंस क्लास 9 चैप्टर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग्स मॉड्यूल 9। हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले मॉड्यूल के अंदर सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं उसको डिटेल में पढ़ा था। चलिए आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। आपको मालूम ही है कि पानी जो होता है वो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करता है। बताइए पानी सॉलिड स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करता है? आइस के रूप में। लिक्विड स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करता है? वाटर के फॉर्म में। और गैस फॉर्म में किस तरह एग्जिस्ट करता है? वाटर वेपर की फॉर्म में। अगर आप पानी को एक ट्रे में लीजिए और इस ट्रे को फ्रिज में रखेंगे तो कुछ घंटों के बाद क्या देखेंगे? पानी जो है बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। यानी यहां पर लिक्विड स्टेट में पानी था, वो अब सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया, यानी आइस के रूप में। कैसे पॉसिबल हुआ? जब हमने टेम्परेचर को कम कर दिया। लो टेम्परेचर के अंदर पानी जो होता है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी आप एक फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को दूसरे फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय चेंजिंग फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसको हम क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हमने क्या समझा? वन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज टू अदर बाय चेंजिंग द फिजिकल फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर एंड प्रेशर। व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हम इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर को डिटेल पढ़ेंगे। उससे पहले हम टेम्परेचर के बारे में बताते हैं। आपको पता ही है कि टेम्परेचर को हम कैसे मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस में और केल्विन के अंदर। जो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है वो है केल्विन। केल्विन और डिग्री सेल्सियस में क्या रिलेशनशिप है? टेम्परेचर इन केल्विन जो होता है वो किसके बराबर होता है? टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अगर आपको टेम्परेचर सेल्सियस में दिया हो तो आप उसको केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वाइसी वर्षा अगर केल्विन में दिया हो तो इसको आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है कि टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 27 डिग्री सेल्सियस है, तो टेम्परेचर केल्विन में बताइए कितना होगा। तो आपको पता है टेम्परेचर इन केल्विन क्या होता है? टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस कितने दे रखी है आपको? 27 डिग्री सेल्सियस। तो 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 किसके इक्वल हो जाएगा? 300 केल्विन। तो हम कह सकते हैं टेम्परेचर इन केल्विन कितना है? 300 केल्विन। चलिए अब हम समझते हैं कि जब इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर होता है तो टेम्परेचर का क्या रोल है। लेट अस फर्स्ट स्टडी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। यानी कि अब हम इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर को स्टडी करते हैं एक एक्टिविटी द्वारा। एम क्या है? टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉलिड मैटर ऑन हीटिंग। हमने सॉलिड मैटर के ऊपर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ना है जब हम सॉलिड मैटर को हम गर्म करते हैं। इसके लिए मटेरियल चाहिए आपको, आयरन स्टैंड, थर्मामीटर, बीकर, आइस और बर्नर। व्हाट आर द मटेरियल्स रिक्वायर्ड? आयरन स्टैंड, थर्मामीटर, बीकर, आइस एंड बर्नर। आप इन मटेरियल्स को लेकर नीचे दिए हुए फिगर के हिसाब से एपरेटस सेटअप करिए। ट्राइपॉड स्टैंड के नीचे बर्नर रखा हुआ है, ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर बीकर रखा हुआ है, आपने आयरन स्टैंड के साथ थर्मामीटर को लटका रखा है। चलिए इस एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। बीकर के अंदर 150 ग्राम आइस लीजिए। आपने जो लेबोरेटरी थर्मामीटर को स्टैंड से लटका रखा है
उस लेबोरेटरी थर्मामीटर को बीकर में प्लेस करिए ताकि थर्मामीटर का जो बल्ब है वो आइस के कांटेक्ट में आए। हमने क्या करा, वी टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मामीटर इन इट सो दैट इट्स बल्ब इज इन कांटेक्ट विद द आइस एज शोन इन द फिगर। अब क्या करिए, आप बर्नर को चालू कीजिए और लो फ्लेम के अंदर बीकर को गर्म करना शुरू करिए। स्टार्ट हीटिंग द बीकर कंटेनिंग आइस क्यूब्स ऑन अ लो फ्लेम ऑफ ए बर्नर। आप क्या देख रहे हो कि आइस मेल्ट करना शुरू करती है, उस समय टेम्परेचर नोट करो। क्या ऑब्जर्व करते हो आप, देखते हो कि जब आप लो फ्लेम के अंदर आइस को हीट कर रहे हो तो आइस जो है वो मेल्ट करना शुरू करती है और पानी में कन्वर्ट हो रही है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है आइस जो है वो मेल्ट करना शुरू करती है और वाटर के अंदर कन्वर्ट होती जा रही है। तो एक्टिविटी क्या दिखाती है कि जब चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है ये फिजिकल स्टेट को चेंज कर देती है। इस एक्टिविटी के अंदर सॉलिड स्टेट और राइज ऑफ टेम्परेचर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, बर्फ जो है वो पानी में कन्वर्ट हो रही है। तो आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया है, ऑन हीटिंग ऑन ए लो फ्लेम आइस विच इज अ सॉलिड स्टेट स्टार्ट्स मेल्टिंग इनटू वाटर विच इज विच स्टेट, लिक्विड स्टेट। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द आइस क्यूब स्टार्ट्स मेल्टिंग। व्हाट डज दिस एक्टिविटी प्रूव, दिस एक्टिविटी प्रूव्स दैट चेंज इन टेम्परेचर कॉजेस चेंज इन फिजिकल स्टेट। समझ आया इसका क्या एक्सप्लेनेशन है कि जब आप आइस को गर्म कर रहे थे तो ये वाटर में कन्वर्ट क्यों हो रहा था। सॉलिड जो होते हैं जब उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल्स इंक्रीजेस। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है तो पार्टिकल्स जो है तेजी से वाइब्रेट करना शुरू करती है ग्रेटर स्पीड से। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। जो एनर्जी सप्लाइड होती है हीट द्वारा वो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको कम कर देती है। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट डिक्रीजेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, जिसकी वजह से क्या होता है पार्टिकल्स जो है अपनी फिक्स पोजीशन को छोड़ देती है और फ्रीली मूव करना शुरू करती है। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स पोजीशंस एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली, जिसकी वजह से पार्टिकल्स में जो स्पेस होती है बीच में वो इंक्रीज हो जाती है। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इंक्रीजेस। एक स्टेज ऐसी आती है कि सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड में चेंज होने लगता है। अ स्टेज इज रिच व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड स्टार्ट चेंजिंग इनटू अ लिक्विड। अब आप टेम्परेचर नोट करिए, जब सारा आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज कन्वर्टेड इनटू वाटर। तो आप देखेंगे कि जब पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है तो टेम्परेचर जो है वो कॉन्स्टेंट होता है। बता सकते हो ये टेम्परेचर कॉन्स्टेंट क्यों होता है, चलिए इसको समझाने की कोशिश करते हैं। जब हम आइस को गर्म करते हैं तो एक स्टेज ऐसी आती है कि जिसके अंदर बीकर तो गर्म कर रहे हैं हम लोग, आइस को गर्म कर रहे हैं हम, बट टेम्परेचर राइज दिखा नहीं रहा। ऐसा क्यों है, व्हेन आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, दैट इज वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट। वेयर इज द हीट गॉन, द हीट सप्लाइड इज यूज्ड इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम आइस विच इज इन सॉलिड स्टेट टू वॉटर विच इज इन लिक्विड स्टेट। सो वी कैन से चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर
इज ड्यू टू वीकनिंग और रिड्यूसिंग ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. सो दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर. टू रिड्यूस और वीकन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड. दस टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट टिल द होल आइस मेल्ट्स. तो कंक्लूजन क्या हुआ? सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड स्टेट ऑन हीटिंग एंड टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट. जब भी कोई चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर होता है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, तब तक टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है. तो आपने इस एक्टिविटी में देखा कि सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है ऑन हीटिंग. इसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं मेल्टिंग. तो मेल्टिंग क्या हुआ? द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड ऑन हीटिंग एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग. मेल्टिंग को हम फ्यूजन भी कहते हैं. द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन. मेल्टिंग पॉइंट. द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point. For example, the melting point of ice is 273.15 Kelvin. Melting point किसी भी substance का हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है. क्यों? यह बताती है कि force of attraction particles के बीच में कैसा है. किसी भी सब्सटेंस का जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में ज्यादा होगा. पार्टिकल्स के बीच में द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज यूजफुल इन नोइंग द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर. हायर द मेल्टिंग पॉइंट स्ट्रॉन्गर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन among the particles of matter. Latent heat. तो आपसे पूछे what is latent heat? When heat is supplied to ice and the temperature does not rise at its melting point, heat supplied become hidden. Why? Because it is utilized in changing the state. This type of hidden heat that is utilized in changing the state without changing the temperature is called latent heat. चलिए इस मॉड्यूल को हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. One physical state of matter can be changed to other by changing the physical factors such as temperature and pressure. This is called interconversion of states of matter. What is meant by melting? The change of state from solid to liquid on heating at a fixed temperature is called melting or fusion. What is melting point? The minimum temperature at which a solid substance melts to become a liquid at atmospheric pressure is called its melting point. For example, melting point of ice is 273.15 Kelvin. When heat is supplied to a matter and temperature does not rise, heat supplied becomes hidden because it is utilized in changing the state. This type of hidden heat that is utilized in changing the state without changing the temperature is called latent heat.